आज की क्लास का हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग, और स्टैटिक राउटिंग का हम थियोरेटिकल डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमने स्टैटिक राउटिंग के ऊपर हमने प्रैक्टिकल करने, तो ये प्रैक्टिकल्स जो राउटर्स हैं मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथ से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, इसका नाम है पुट्टी, राइट। इस पुट्टी सॉफ्टवेयर को आप क्या करेंगे, पुट्टी सॉफ्टवेयर को ओपन किया आपने, राइट। हाँ जी सर, ओपन करने के बाद ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, इस बॉक्स में आपने लिखना है आर ए सी के रैक डॉट एन सी पी एन ई टी डब्ल्यू ओ आर के डॉट कॉम, क्या लिखना है? रैक एनसीपी रैक rack.rack.network.com। एनसीपी ठीक, ओके लिख दिया। ठीक, यस सर, दोनों लिख दिया भाई, एक नोट भी कर लें कॉपी पे। पुट्टी के अंदर क्या लिखना है आपने, rack.ncpnetwork.com। हाँ सर, लिख दिया, ओपन कर दें। अरे अभी जितना बताओ, जितना सुनो इतना बस, क्या लिखना है, rack.ncpnetwork.com। एक पॉइंट। यस सर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं है, लिखा हुआ है अदर, है आपके यहाँ पर भी? हाँ इस जी अदर पे टिक यस करना है आपने, क्या करना है, ठीक टिक करना है। यहाँ पर टैलेंट लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर पोर्ट नंबर की जो 23 आप देख रहे हैं, इस 23 पोर्ट की जगह आपने जो अभी लिखना है वो लिखना है 306 39। क्या लिखना है, 3 0 6 3 9 306 39। ये किसी एक ने लिखना है अभी, या तो पंकज लिखे या रोहित लिखे।6 पंकज ठीक है, लिख पंकज रहे ने, ठीक है जी, लिख लिया पंकज। सर। उसके बाद नीचे नजर आ रहा है आपको ओपन, हाँ जी इस ओपन पे क्लिक करें। सर, मुझे तो नहीं करना है ना। नहीं आपने नहीं करना, बस वेट करो एक मिनट, हो गया ऊपर, एंटर ब्लैक हो कलर गया। क्या की स्क्रीन आ रही है। प्लीज लिखा हुआ आया, आंसर यस और नो, वुड यू लाइक टू ठीक एंटर इंस्टेंट बस बस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, ओके बस वेट करो नाउ। हाँ जी रोहित, आपने क्या करना है, जी सर, ये जो पोर्ट नंबर है जो यहाँ पर लिखा है 306 39, इसकी जगह आपने जो पोर्ट नंबर लिखना है, आपने लिखना है 306 40। क्या लिखना है, 306 40। 3 0 6 4 0 हाँ जी, आपने 306 40 करना है इसको, और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। किया, सर, मेरा R2 होके वो आ गया कमांड लाइन। एंटर मारें। यस सर, प्लीज आंसर यस और नो, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ओके ओके, तो ये जो हमारा डायग्राम है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें पहला जो राउटर है ये वाला, सर ये पंकज ने लॉगिन ले रखा है, राइट। और इस डायग्राम में जो दूसरा राउटर है वो रोहित ने लॉगिन ले रखा है, ठीक है। ये मेरे रैक के राउटर्स हैं, एक राउटर आपने ले रखा है, एक आपने ले रखा है, ठीक हो गया। चलो जी बताते हैं क्या करना है।
इस डायग्राम में टोटल चार राउटर हम यूज कर रहे हैं, जिसमें से दो राउटर आपके पास हैं, राउटर नंबर वन आपके पास है, राउटर नंबर टू आपके पास है, मेरे पास राउटर नंबर थ्री और राउटर नंबर फोर है। नाउ यहाँ पर अगर आपको इस तरह का ये सिंटैक्स डिस्प्ले करता है, वुड यू लाइक टू द एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो, तो यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि आप क्या प्रेस करें, सुनो नो प्रेस करें, यस भी प्रेस किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन क्या है, नो प्रेस करें। तो यस और नो में बेसिकली डिफरेंस क्या है, अगर हम यस करेंगे तब भी राउटर कॉन्फ़िगर होगा, नो प्रेस करेंगे तब भी राउटर कॉन्फ़िगर होगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि ऐसा मान के चलो कि एक कोई फॉर्म है जो आपने फिलअप करना है, क्या करना है, कोई फॉर्म है जो आपने फिलअप करना है। एक फॉर्म तो है आपके पास जो ये हार्ड कॉपी की शक्ल में आपके हाथ में हैगा, बैंक का एक फॉर्म है, अच्छा अकाउंट खोलना चाहते हो तो आप बैंक गए, उन्होंने एक आपको दे दिया अपना फॉर्म, और ये आपके हाथ में, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं फिलअप करने के लिए। तो पंकज के पास तो ये फॉर्म हैगा हाथ में, रोहित भी अकाउंट खोलना चाहता है, लेकिन रोहित ने क्या किया साहब, ऑनलाइन पोर्टल पर जाके चला गया, वो ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो ऑनलाइन भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो। अब होता क्या है कि जब पंकज के पास ये फॉर्म है, तो पंकज ने देखा कि पहला कॉलम क्या है, तो पहला कॉलम फिलअप कर दिया साहब, उसमें नाम पूछ रहा था कि तुम्हारा नेम क्या है, राइट। यस दूसरे में हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा हो, और इसके अंदर 10-15 लाइंस फॉर्म, वो लाइन थी, वो फील्ड थी जो फिलअप करनी थी। आपने आई थिंक फॉर्म तो फिलअप किए ही होंगे फिजिकल राशन कार्ड सर वाले, तो मुझे कोई फॉर्म ऐसा बताओ कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया हो, ये लाइनों की सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 15 तक, आपने जब फॉर्म फिलअप करना शुरू किया तो क्या आपने पहले लाइन नंबर वन फिलअप की थी, फिर टू फिलअप की थी, फिर थ्री फिलअप की थी, आपने इसी सीक्वेंस में फॉर्म भरा था, यस सर ऐसे ही भरा था, ऐसे तो कैसे, जो जैसे जैसे जो जो आधा गया वो भरते चले गए। वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे किया था, कि पहले पहले तीसरी तीन लाइन तक भर दी, उसके बाद यस दो सर लाइन, दो आपने लाइन छोड़ दी, फिर आपने ये फिलअप कर दिया, फिर एक छोड़ दी, फिर आपने ये फिलअप कर दिया, जी सर ऐसे ही किया था ना। जी सर और उसके बाद थोड़ी बहुत देर के बाद गूगल करके, यार दोस्तों से पूछ के, घर वालों से पूछ के, आपने बाकी लाइन भी फिलअप की थी, हाँ जी सर लेकिन इट सेल्फ खुद आपने सारी लाइनें सिक्वेंसली फिलअप नहीं की। नहीं और कभी होता भी नहीं है ऐसा, जब आप फॉर्म आपके पास में होता है तो आप कहते हो क्यों टाइम खराब करें, लाओ पहले एड्रेस लिख लो, पहले ये लिख लो, पहले जो हमें पता है वो लिख लो। उसने पूछा कि सर आप बताओ कि आपके 10th में कितने परसेंट मार्क्स थे, अब आपको तो याद नहीं, अभी आप छोड़ दोगे फील्ड को, मार्कशीट निकालोगे, मैं चेक करोगे और फिर आप फिलअप कर दोगे यहाँ पर। उसने पूछा आधार कार्ड नंबर क्या है तुम्हारा, अभी तो जिम में है नहीं, आपने फील्ड छोड़ दी, घर जाओगे देखोगे आधार कार्ड नंबर क्या है, फिलअप कर दोगे, राइट। जब भी जी आप सर कोई फिजिकल फॉर्म भरते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ये जो हमने फॉर्म फिलअप किया ये कहलाता है कस्टमाइजेशन फॉर्म, क्या कहलाता है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन हमने कस्टमाइज किया उसको, जो चीज़ें आती हैं फिलअप कर दी, जो चीज़ें नहीं आई छोड़ दी। जब बैंक जाएंगे तो वहां पर पता कर लेंगे कि सर इसमें ये समझ में नहीं आ रहा था क्या फील्ड फिलअप करूं इस यहाँ पर, तो उसने कहा यहाँ पर नॉमिनी का नाम भर दो, राइट। जी सर कॉलेज गए, समझ में नहीं आई बात, तो वहां पर किसी से पता कर लिया, बहुत सारे लड़के आए थे, भाई देखना इसमें क्या फॉर्म भरना है, क्या पूछना चाह रहा है। तो ये हम अपनी मर्जी से फॉर्म भरते हैं, जो फील्ड हमें आती हैं भर देते हैं, जो नहीं आती हैं बाद में सीनियर से पूछ के कर लेते हैं। लेकिन जब बारी आती है ऑनलाइन फॉर्म की, तो यहाँ पर ऐसा कोई फंडा नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ऑनलाइन फॉर्म के अंदर कि आप अपनी मर्जी से उसको फिलअप कर सको।
क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जब ऊपर की दो तीन फील्ड डाल दोगे, उसके बाद न्यू फील्ड बाद में खुल के आएंगी। जब आप ये फिलअप कर दोगे, आपने ये फिलअप ही नहीं किया तो न्यू फील्ड फिलअप खुलकर ही नहीं आएंगी अभी। जी सर, ठीक है, तो पहले कहता है कि पहले ये फील्ड फिलअप करो, जब आप क्लिक करते हो फिर नीचे की फर्दर फील्ड्स आती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि साहब आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आएगा कि आप कौन से स्टेट में सिटी रहते हो, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आएगा कि आप कौन से सिटी में रहते हो, सिटी करने के बाद आएगा कि आप कौन से विलेज में रहते हो, फिर आएगा कि आपका पोस्टल कोड क्या है। पहले ही नहीं आ जाएगा आपके गांव का नाम। ठीक जी सर, है, आपको जी मैं तो इंडिया सेलेक्ट नहीं कर रहा, पहले तो गांव का नाम भर दूं अपने, तो ये पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। जस्ट वैसे ही इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हमने यहाँ पर नो प्रेस किया, इसका मतलब है कि इस राउटर को हम अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। जो चीज़ें हमें आती हैं हम कॉन्फ़िगर कर लें, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो बाद में किसी सीनियर से पूछ के कॉन्फ़िगर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर यस प्रेस कर दिया, तो फिर राउटर को मैंडेटरी है कि आपको सीक्वेंसली कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए। पहले एक फील्ड फिलअप करोगे, फिर वो दूसरी फील्ड आपको देगा, दूसरी फिलअप करोगे फिर वो तीसरी फील्ड आपको देगा, तीसरी फिलअप करोगे फिर फोर्थ फील्ड आपको देगा। ठीक है, जी सर, ये रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ पर नो प्रेस किया जाए, ताकि आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकें। तो क्या करना है, यहाँ पर नो प्रेस करना है, तो यहाँ पर नो प्रेस कीजिए, एन ओ और एंटर मार दीजिए। करो भाई रोहित, पंकज सर मेरा ये मतलब कनेक्टिविटी नहीं आ रही सर। कोई बात नहीं, हाँ जहां पर पुट्टी पुट्टी की विंडो तो खुल रही है ना, पुट्टी की जो विंडो है देखें स्क्रीन पे, देखें ये जो टॉप है यहाँ पर ना, आप राइट क्लिक करें, ब्लैक विंडो है ना आपकी, यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर रीस्टार्ट सेशन करके कुछ आ रहा होगा। रीसेट टर्मिनल रीसेट नहीं है, और भी आ रहा होगा नीचे, देखो रीस्टार्ट। रीस्टार्ट सेशन। हाँ जी, रीस्टार्ट सेशन पे क्लिक कर दें। सर ये मैंने किया है, इसमें वो चेंज स्टेट ये हो रहा है अभी बहुत सारा कुछ। एंटर मारें, दो चार एंटर मार दो। आ गया भाई पंकज। हाँ सर, नो कर दिया ठीक है, हाँ और स्टक हो गया है। कोई नहीं, वेट करो, एंटर मारें दो चार। हाँ सर आ गया, ये और एंटर लेने। ठीक हाँ मार दो, दो चार एंटर, कोई बुराई नहीं है। चलिए अब मेरी स्क्रीन देखिए, आपने नो प्रेस कर दिया। ओके, मैंने भी नो प्रेस कर दिया। जब भी राउटर आपका लॉगिन होकर आता है, तो राउटर का मोड कुछ ऐसा करके होता है, यहाँ लिखा होता है फॉर एग्जांपल राउटर, और यहाँ पर ये निशान लगा होता है ग्रेटर देन का। जी सर, ठीक, अगर ग्रेटर देन का निशान लगा है तो आपने यहाँ पर क्या टाइप करना है, ई एन ए बी एल ई इनेबल, क्या टाइप करना है, इनेबल इनेबल। ये जो राउटर और ग्रेटर देन का निशान लगा होता है, इस मोड को क्या बोलते हैं, इस सर। मोड को बोलते हैं क्या, यूजर मोड, या कौन सा मोड है, यूजर यूजर मोड यूजर मोड है। इस मोड पे जब हम इनेबल टाइप कर देते हैं तो राउटर का मोड थोड़ा सा चेंज होता है, और यहाँ पर राउटर के बाद हैश का निशान लगा हुआ आ जाता है।
इनेबल टाइप करने के बाद। तो ये जो मोड कहलाता है, इस मोड का नाम क्या होता है? PRIVILLAGE, प्रिविलेज मोड। क्या नाम होता है? प्रिविलेज प्रिविलेज मोड। मोड। प्रिविलेज मोड ये वाला मोड है। तो राइट नाउ हमारा राउटर कौन से मोड पे है? R3 प्रिविलेज मोड पे है, क्योंकि यहाँ पर ये हैश का निशान लगा है। ठीक, जी सर। अगर ये ग्रेटर दैन का निशान लगा होता तो ये यूजर मोड कहलाता और ये प्रिविलेज मोड है। तो अगर यूजर मोड डिस्प्ले हो रहा है तो आपने इनेबल टाइप करना है। इनेबल टाइप करेंगे तो राउटर प्रिविलेज मोड में आ जाएगा। राइट नाउ हमारा राउटर ऑटोमेटिकली प्रिविलेज मोड में अपना पाया पड़ा है। ओके सर। नाउ सबसे पहला टास्क है कि हम राउटर का नाम चेंज करना चाहते हैं। राउटर का नाम नाम हमें चेंज। चेंज करना है, तो राउटर का नाम चेंज करना है। तो अगर आपका ये राउटर प्रिविलेज मोड पे था तो आपने ENABLE इनेबल टाइप करना था। इनेबल टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने कॉन्फिगर टर्मिनल टाइप करना है। यस सर। ये जो मैंने शॉर्ट में कॉन्फिटी लिखा, एक्चुअल कॉन्फिटी नहीं होता। यहाँ पर जो फुल स्पेलिंग होती है वो होती है कॉन्फिगर। क्या होती है? कॉन्फिगर कॉन्फिगर। टर्मिनल। ये वाली जो लास्ट में स्पेलिंग लिखी गई है ये स्पेलिंग होती है पूरी, कॉन्फिगर टर्मिनल। इसको शॉर्ट में आप इतना भी कर सकते हैं, CONF स्पेस T भी लिख सकते हैं। कॉन्फिगर टर्मिनल की जगह क्या लिखा जा सकता है? कॉन्फ्टी शॉर्ट कॉन्फिटी। में, है ना? अदरवाइज पूरा लिखना चाहते हो तो कॉन्फिगर स्पेस टर्मिनल आप टाइप करोगे। ये आपने एंटर मारा। ये जो मोड आप देख रहे हैं, राउटर के बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है ब्रैकेट में? कॉन्फिग। कॉन्फिग। ये जो मोड है, इस मोड का नाम क्या है? ग्लोबल कॉन्फिगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फिगरेशन कॉन्फ़िगरेशन मोड। मोड। कैसी शक्ल है? यहां पर ब्रैकेट में कॉन्फिग लिखा होगा। राउटर के ऊपर मैक्सिमम कॉन्फिगरेशन ग्लोबल मोड पर ही की जाती है। राउटर के अंदर जितनी भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो ग्लोबल मोड पर जाकर ही होंगी। कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो पहले हमें इस मोड पर आना पड़ेगा, ग्लोबल मोड पर आना पड़ेगा। जब हम ग्लोबल मोड पर आ जाएंगे देन हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कोई चेंजेस कर सकते हैं। ओके देखिए हमने यहाँ से एग्जिट करते हैं, इस मोड से एग्जिट किया तो राउटर कहाँ चला गया? आपका मेन एक अगेन प्रिविलेज मोड में चला प्रिविलेज गया। मोड में। ठीक है, और अगेन एग्जिट करते हैं तो राउटर ये लॉग आउट हो गया। चलिए सबसे पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हाउ टू चेंज होस्ट नेम। हम राउटर का नाम, तो राउटर का नाम अगर आपने चेंज करना है तो कमांड होती है कॉन्फिग
शॉर्ट में टर्मिनल, हमने ग्लोबल मोड पर आना है, हम ग्लोबल मोड पर आ गए। इस राउटर का नाम चेंज करना है, तो उस राउटर का नाम चेंज करना है, कमांड होती है HOST होस्ट एन AME नेम, होस्ट नेम क्या रखना चाहते हैं हम, रखना चाहते हैं NCP R3, NCP-R3। तो हमने देखा कि इसका नाम क्या हो गया, NCP-R3 हो गया। आ रहा है समझ, डिस्प्ले हो रहा है NCP-R3 नाम हो गया। आपको ये नाम अच्छा नहीं लगता तो आप दोबारा से होस्ट नेम कुछ और नाम रखते हो, ABC R3 ये आपने नाम रख दिया, राइट। तो जो भी नाम लिखोगे आप, वो आपके राउटर का नाम बन जाएगा। मैंने दोबारा NCP R3 कर दिया, राउटर का नाम चेंज करना आ गया। यस नाउ ये जो राउटर है जिसको मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सा राउटर है, राउटर सर, थर्ड वाला R3। थर्ड वाला राउटर है, ठीक है। ये थर्ड राउटर है जिसको मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डायग्राम की कनेक्टिविटी करनी है सारी की सारी, ताकि ये सारी डिवाइसेस, सारे कंप्यूटर जो भी नज़र आ रहे हैं, पूरा नेटवर्क मेरा कम्युनिकेट करे। तो मुझे इस राउटर के ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं। तो इस डायग्राम के अंदर ही मेंशन है कि राउटर नंबर 3 के ऊपर एक इंटरफेस है जिसका नाम है S1x1। नज़र आ रहा है आपको, क्लियर लिखा हुआ S1x1। कहता यस सर, है S1x1 के ऊपर आपने ये वाला IP कॉन्फ़िगर करना है। इसी ओके। तरह से एक और इंटरफेस है E0x1, इस इंटरफेस के ऊपर ये IP कॉन्फ़िगर करना है। और तीसरा इंटरफेस है राउटर नंबर 3 के ऊपर E0x0, इसके ऊपर आपने ये वाला IP कॉन्फ़िगर करना है। कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपने अपने राउटर के ग्लोबल मोड पे आना है। ग्लोबल मोड पे कैसे आते हैं, जब हम कॉन्फ़िग टी या कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप कर देते हैं, यहाँ पर आने के बाद आपने लिखना है इंटरफेस। क्या लिखना है आपने, आप शॉर्ट में INT भी लिख सकते हो, और पूरी स्पेलिंग लिखना चाहो तो आप इंटरफेस भी लिख सकते हो, ठीक। जी अगर मैंने लिखा इस ये 23 वाला IP कॉन्फ़िगर करना है मुझे, 23.1.6, तो ये IP कौन से इंटरफेस पे, S1x1 के ऊपर। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा S1x1, जैसे ऊपर लिखा है डायग्राम में वैसे ही आपने यहाँ लिख देना है, इंटरफेस S1x1, एंटर। जैसे ही मैंने एंटर मारा, यहाँ पर मुझे config-if आ गया, इसका मतलब है कि मैं हम इंटरफेस के अंदर चले गए। ओके इंटरफेस पे जाने के बाद हमें क्या करना है, IP कॉन्फ़िगर करना है, कौन सा, 23.1.1.6। तो हमने यहाँ लिख दिया IP ADDREADDRESS, ADDREADDRESS कौन सा, IPv4 ट्वेंटी थ्री डॉट वन डॉट वन डॉट क्या लिखा हुआ है, 6 सिक्स, हमने सिक्स टाइप कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्या मास लिखा हुआ है, मास्क 30। Thirty-bit। राउटर के ऊपर हम स्लैश फॉर्मेट में मास्क नहीं देंगे, यहाँ तो पर डेसिमल 255, डॉटेड फॉर्मेट में देंगे। 255, 255 एंड 252। 252, ठीक हो गया, एंटर मार दिए। उसके बाद तीसरी सर, कमांड, इसमें ये नहीं बताएंगे आईपी एड्रेस IPv4 है या 6 है? ये ऑटोमेटिक, ये अगर हमने IP यहाँ लिखा है तो इसका मतलब IPv4 है। अच्छा, अगर IP की जगह हम IPv6 लिखेंगे तब IPv6 हम IP डालेंगे। डिफॉल्ट डिफॉल्ट IPv4 ले लेता हाँ जी, हाँ जी, अगर IP यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब IPv4 IP हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हूँ। ठीक, तीसरी कमांड होती है नो SHUT शट डाउन, नो शट डाउन। एक होता है शट डाउन, शट डाउन का मतलब क्या होता है, बंद, बंद। नो शट डाउन ओपन, मतलब ओपन, ठीक, यानी कि हम इस इंटरफेस को ओपन करना चाहते हैं।
बाई डिफॉल्ट राउटर के सारे इंटरफेस शटडाउन होते हैं, बंद होते हैं। तो जिस जिस इंटरफेस को आपने अप करना है, उस इंटरफेस पे आपने नो शट कमांड चलानी है, क्योंकि आपने आईपी डाल दिया लेकिन आपके घर का दरवाज़ा तो बंद है, तो ट्रैफिक ना तो आएगा ना जाएगा। तो ट्रैफिक आना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, तो आपका दरवाज़ा खुला तो होना चाहिए। तो हमने इंटरफेस पे गए, आईपी भी डाल दिया, उसके बाद आपने नो शट करना है एंटर। तो ये एक आईपी कॉन्फ़िगर हो गया हमारे राउटर नंबर 3 के ऊपर, ठीक हो गया। और मैसेज भी आ गया कि भैया लिंक विंक डाउन सा हो, अप हो चुका है हमारा नाउ। यहाँ से अब मुझे अगेन एग्जिट कर देना है, मैं यहाँ पर आ गया। अब मुझे दूसरे इंटरफेस पे आना है, इस वाले इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है। कौन सा इंटरफेस है ये? इंटरफेस E0/1, ठीक पब्लिक है जी, E0/1, एंटर। फिर लिखा मैंने IP ADD, एड्रेस को शॉर्ट में ADD भी कर सकते हैं। क्या है एड्रेस? 34.1.1.9 34.1.1.9। मास्किंग कितने बिट की है? 30 वो 30 की तो सेम बिट रहे, की है, तो 25 25 जाएगी 252 आ जाएगा। फिर क्या करना है? हमने नो ओ शट करना शिट है। नो शट डाउन को शॉर्ट में हम नो SH भी कर सकते हैं, एंटर। ठीक, नाउ उसके बाद अगेन आपने एग्जिट करना है। उसके बाद तीसरा इंटरफेस है ईथरनेट 0/0, या लिखेंगे इंटरफेस E0/0। और यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या है? 30.1.1.254, सबनेट मास्क 255 255 255 जीरो .0, फिर नो शट। नो सर आ गई बात समझ? यस उसके बाद एग्जिट, उसके बाद एग्जिट। कौन से मोड पर आ गए हम? प्रिविलेज मोड प्रिविलेज मोड पे आ गए। यहाँ पर आने के बाद हमने कमांड चलानी है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड के थ्रू हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हमने जो आईपी एड्रेस अभी अभी कॉन्फ़िगर किए हैं, क्या वो कॉन्फ़िगर हो गए, क्या वो एक्सेप्ट हो गए, क्या वो हमने सही कॉन्फ़िगर किए हैं। नोट हो गई कमांड हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जब हमने एंटर मारा तो इसने कहा कि भाई आपने ईथरनेट 0/0, यानी कि नीचे वाले इंटरफेस की बात कर रहे हैं, आपने एक आईपी कॉन्फ़िगर किया है 30.1.1.254, तो मैच कर लो। हाँ जी, 30.1.1.254, हाँ जी बिल्कुल यही आईपी एड्रेस है। उसके बाद कहता है कि इसका जो स्टेटस है ये भी अप है, प्रोटोकॉल भी अप है। जहाँ आपने आईपी डाला है उस इंटरफेस का स्टेटस प्रोटोकॉल अप होना चाहिए, ये फिर डाउन नहीं होना चाहिए। और आईपी जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किया है वो मैनुअल किया है, अपने हाथ से डाला है, राइट नो। उसके बाद कहता है कि आपने एक इंटरफेस ईथरनेट 0/1 के ऊपर एक आईपी कॉन्फ़िगर किया है 34.1.1.9, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और ये भी हमारा अप है। तीसरा कहता है कि एक इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया है S1/1, S1/1 कौन सा वाला? ये वाला ये S1/1। क्या किया है? 23.1.1.6, हाँ जी ठीक है, लेकिन ये अप है, ये डाउन है, ये भी अप होना चाहिए। तो अप कब होगा? जब इसके सामने वाला ये जो राउटर है ना, जब ये राउटर कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ये वाला इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा, इस इंटरफेस को अप कर दिया जाएगा, तो ये लिंक भी अप आ जाएगा, ठीक सर, ये एक राउटर पे ईथरनेट पोर्ट 4 होते हैं और सीरियल पोर्ट 4, है? ऐसा नहीं, होता ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, है? इसमें में इसमें आ रहे ना ऐसे? डिपेंड डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मॉडल ले रखा है, अच्छा आपकी नीड क्या है। जब आप मार्केट में कोई भी सामान लेने जाते हो, इवन लैपटॉप भी लेने जाते हो, इवन मोबाइल फोन्स भी लेने जाते हो, तो वो ज़रूर पूछता है कि सर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या करते हो, क्या करा चलाना है आपने अपने लैपटॉप के ऊपर। आप कहते हो नहीं सर मुझे तो सिंपल ऑनलाइन क्लास के लिए चाहिए, तो कहता है ये वाला मॉडल ले लो, 35,000 रुपये का, 36,000 रुपये का मिल जाएगा।
अब कहते हो नहीं सर मुझे तो कुछ इसमें कोडिंग करनी है, कुछ प्रोग्राम्स करने, तो कहता नहीं, नहीं, नहीं ये वाला मॉडल लो आप, PI 7 है, 12th जनरेशन है, SSD हार्ड डिस्क है। वो अकॉर्डिंग टू मतलब नीड वो चेंज होता हाँ रहता जी हाँ जी, अब आपकी नीड क्या है, आपको कितना बड़ा नेटवर्क लगाना है ना, तो कितनी ब्रांचेज आपने अपने राउटर से कनेक्ट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं कि उसमें कितने पोर्ट्स हैं, उसमें क्या ईथरनेट पोर्ट है। ईथरनेट पोर्ट का मतलब होता है ये 10 Mbps मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है, कितनी Mbps, 10 MBPS. Mbps, लेकिन आजकल 10 Mbps में तो बात ही नहीं बनेगी, कम हाँ से कम 100 Mbps चाहिए। तो 100 Mbps चाहिए तो फास्ट ईथरनेट इंटरफेस होना चाहिए, ठीक है, या आपको और ज़्यादा चाहिए तो फिर गिग इंटरफेस होना चाहिए जो 1000 Mbps को सपोर्ट करेगा, उसके ऊपर चाहिए तो फिर हमें ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट्स चाहिए जो 10 गिग, 40 गिग, 100 गिग, ठीक है। तो अच्छा डिपेंड, सर, ये सीरियल पोर्ट और जो इथरनेट पोर्ट तो हमारा जो RJ45 होता है, सीरियल में जो पिन वाला होता है जो वो होता है ना. हाँ जी हाँ जी, सीरियल का मतलब है जो पिन वाले पोर्ट्स हैं, 60 पिन्स होती हैं इसके अंदर, ठीक ओके. है, ये 60 पिन्स होती हैं इसके अंदर सीरियल इंटरफेस के अंदर। लेकिन सीधे आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें सीरियल इंटरफेस का भी यूज खत्म हो गया है, क्योंकि सीरियल इंटरफेस बेसिकली बहुत स्लो स्पीड लिंक है, ठीक ओके. है। तो आजकल जितना भी काम होता है वो या तो फास्ट ईथरनेट सारी जगह कनेक्ट होते हैं, या गिग पोर्ट कनेक्ट होते हैं, या फिर ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टिविटी होती है। तो सीरियल हटी मतलब ऑब्सोलेट ही हो गया एक तरह हाँ से. जी तकरीबन, अब तो लेकिन बचा तो वही ईथरनेट मतलब बस जी RJ45 वही, वाला ही पोर्ट बचा हाँ होगा. जी RJ45 ही पोर्ट बचे हुए हैं, ठीक है, उसी के थ्रू हमारी लैन कनेक्टिविटी होती है, उसी के थ्रू वैन कनेक्टिविटी होती है। देखें हमने इस डायग्राम के अंदर भी यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की है कि देखें हमने इन दो राउटर को, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये वाला, एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में ये वैन कनेक्शन है, क्योंकि एक राउटर आपका दूसरी ब्रांच में रखा होगा, एक राउटर दूसरी ब्रांच में रखा होगा। पर्पस तो आपका ये है कि आपके यहाँ पर ऑफिस के अंदर जो ये कंप्यूटर्स लगे हैं, ये वाले के जो कंप्यूटर लगे हैं, आप इन यस. एक दूसरे को कम्युनिकेट कराना चाहते हो ना। हाँ राउटर का इस्तेमाल तो इसलिए किया गया ताकि राउटर के थ्रू रास्ता बन सके दूसरी ब्रांच तक पहुंचने के लिए, ठीक जी है। ये जो आपका है ये आपका लैन सेगमेंट है, ये आपका लैन सेगमेंट है दोनों ब्रांच का, और ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ये आपका वैन है। तो दो राउटर्स को आपको वैन से कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर एज ए सीरियल इंटरफेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आप जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि आप इन दो राउटर को आपस में वैन के थ्रू कनेक्ट करना है, तो आप इनको ईथरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सीरियल इंटरफेस का इस्तेमाल करो, किसी भी केबल का इस्तेमाल करो जो भी पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो हम कैसे भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बहरहाल इंटरफेस होना चाहिए आपस को, आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए। आपने सिर्फ अपने अपनी ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक एक केबल डालना है। आप कहते हो सर मैं केबल कैसे डाल सकता हूँ इतना लंबा, कोई मसला नहीं है, आप केबल भी डाल सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की रेंज बहुत लंबी होती है, 5000 किलोमीटर, 10000 किलोमीटर, और लंबी करनी है तो वहाँ पर फिर एक बूस्टर लगाओ, फिर और आगे बढ़ा लो, तो ये तो टू मच कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए। तो कोई बात नहीं, आप मत लगाओ, आप अपने ISP को बोलो, आप ISP को बोलो जो आपका ISP है कि सर मुझे ना दूसरी ब्रांच से कनेक्टिविटी करनी है, तो कहेगा ठीक है करा दूंगा। कौन सा आपका सोल्यूशन चाहिए, आपको डेडिकेटेड लीज लाइन चाहिए उसमें किसी का इंटरफेयर ना हो, आप कहते हो हाँ सर दे दो, तो कहता जी इसका रेंट तो इतना ईयरली 1 करोड़ रुपये ईयरली, 10 लाख रुपये ईयरली, ठीक है। आप कहते तो बहुत कॉस्टली है, तो कहता है सर एक काम करो फिर हमारा शेयर सेगमेंट यूज़ कर लो, यहाँ पर हमने अपना शेयर सेगमेंट भी लगा रखा है, आपका ट्रैफिक भी जाएगा और बंदों का भी ट्रैफिक जाएगा, कोई बात नहीं, आपका ट्रैफिक आपके लोकेशन तक पहुँच जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। और सस्ता सोल्यूशन चाहिए तो ISP से बात ही मत करो आप तो इस ब्रांच में भी एक इंटरनेट कनेक्शन ले लो, ठीक है, इस वाली ब्रांच में, और दूसरी ब्रांच में भी इंटरनेट कनेक्शन ले लो। बस आप क्या बोलो, आप बोलो कि आप जो मेरे को वैन आईपी दोगे, ये कौन सा आईपी कहलाएगा, वेन आईपी. वैन आईपी।
आप बोलो सर मेरा वेन आईपी क्या कर दीजिए, स्टैटिक कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्टैटिक, स्टैटिक। ओके ओके पब्लिक ओके स्टैटिक कर दीजिए। ओके पब्लिक स्टैटिक का मतलब है कि आईपी वेन इंटरफेस पे ऑलवेज पब्लिक आईपी यूज होंगे, तो आप इस आईपी को ना फिक्स करा लीजिए दोनों हर एक, तरफ। हाँ जी दोनों तरफ। तो आप क्या करेंगे, जब आपके आईपी फिक्स हो जाएंगे तो इन दोनों राउटर के बीच में आप क्या कर लोगे, कनेक्ट एक होंगे। वीपीएन बना लोगे, ओके ठीक है जी। ओके वीपीएन आपका सिक्योर भी रहेगा, सबसे सस्ता सॉल्यूशन है। आपने आईसीपी से कुछ भी नहीं बोला कि भैया मुझे दूसरे ब्रांच से कनेक्ट होना है तो मुझे कुछ लिंक चाहिए स्पेशल, जो सर ठीक ये है। मोस्टली कंपनीज यूज करती हैं, ये वीपीएन जो यूज करती हैं वो यही होता है, हाँ जी, वीपीएन का यूज किया जाता है क्योंकि बीच में वीपीएन आपका नेटवर्क यूज करती आईएसपी आ रहा है, इंटरनेट क्लाउड आ रहा है, ठीक हैं। है। अगर आपकी हाँ बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कोई एप्लीकेशंस है कुछ है तो डेडिकेटेड फिर आपको लीज लाइन चाहिए होती है ताकि इसमें डिलेज विलेज ना आए। इसमें SLA लगे होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं आईएसपी के साथ कि भैया मुझे डेडिकेटेड इतने बैंडविड्थ का लिंक चाहिए, इससे कम हुआ तो मैं आपके ऊपर पेनल्टी डालूंगा उल्टी। अभी तो तुम्हें पैसे दे रहा हूँ पर ईयर अच्छा। इस लिंक के, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि सर ये 100 Mbps हमेशा रहेगा, फ्लक्चुएशन सिर्फ फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी क्रिटिकल्स होती हैं जिसमें फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। वॉइस का ट्रैफिक जा रहा है मेरा, मीटिंग्स चल रही है मेरी ग्लोबली, उसमें साहब स्पीड पता चला कि साहब यहाँ पर 50 Mbps रह गई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे एग्रीमेंट्स होते हैं आईएसपी, अगर ये स्पीड अगर डाउन कर हो जाती है आईएसपी की गलती से तो आईएसपी फिर हमें उल्टा पैसे देगा, एग्रीमेंट है इस चीज़ का, ठीक है। तो स्पेशल चाहिए तो फिर लीज लाइन हमें लेनी पड़ती है, ऐसी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं तो। अदरवाइज तो नॉर्मल जो इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है उसी के थ्रू भी हम, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट कनेक्शन चल रहे हैं वो भी काफ़ी फास्ट हैं आजकल, ठीक है, उनसे भी काम चलता रहता है। लेकिन जब क्रिटिकल एप्लीकेशन की बात आती है तभी हमें लीज लाइन चाहिए होती है डेडिकेटेड। नाउ तो ये हमने राउटर नंबर 3 के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगर कर दिए, तो आप भी अपने अपने राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगर करें। सबसे पहले राउटर का नाम चेंज करें, राउटर के नाम के आगे आप अपना नाम लगा दें ताकि पता रहे कि कौन राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहा है। सर कुछ इस पे टाइप नहीं हो रहा कौन से राउटर पर टाइप नहीं हो रहा, एंटर मारो है। नहीं आर आ टू आर रहा तो टू उसको रीसेट कर लो, ऊपर से जाके बताया था टॉप पे क्लिक करो, रीस्टार्ट कनेक्शंस होगा क्या लिखा हुआ था, री स्टोर वाला सर, री स्टोर ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रिस्टोर है क्या है, हाँ जो भी है, रिकनेक्शन होगा शायद, रिकनेक्ट करके होगा, रीस्टार्ट सेशन। रिस्टार्ट सेशन, हाँ जी। सर
सर ये एरर क्या आ रहा है? भाई टैब दबा दिया करो टैब। जी कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है? आपने ना इंटरफेस के अंदर नहीं गए थे इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। अब इंटरफेस में आप चले गए, ठीक हो गया। ये यस सर सुनो। कौन सा राउटर है? आप रोहित के बाद डैश उस राउटर का नंबर लिखेंगे, R1 है या R2 है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा कौन सा राउटर आप कॉन्फिगर कर रहे हैं। दोबारा से होस्ट नेम दे दीजिए, होस्ट नेम लिखिए। बस यहीं पे लिखेंगे, ग्लोबल मोड पे होस्ट नेम लिखा जाता है। होस्ट नेम, फर्स्ट होस्ट नेम। होस्ट नेम रोहित नहीं, होस्ट नेम HOST, होस्ट NAME नेम, होस्ट नेम।
ठीक हो गए भाई आपके को कॉन्फ़िगर, सर लास्ट वाला नहीं हो रहा है, E0Y0 वाला, आप करो ना कॉन्फ़िग इंट। यही तो कर रहा हूँ, इंट 0Y0 कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, 0W0 कौन सा वाला कर रहे हो आप ये? नीचे, R2 वाला लास्ट वाला नीचे, E0Y0W0 वाला। बट आप तो 0/0 लिख रहे हो ना, E0 तो लिखो। अच्छा आईपी एड्रेस टैब दबा दिया करो, टैब आईपी फिर देन एड्रेस ले लेता है वो स्पेस। अब ADD टैब दबा दो, ले ले ADD टैब टैब वहां ले ले। सिक्सटीन वन ट्वेंटी फाइव 254। नहीं, 255 255 255। ये तो 0 होगा ना, दोनों 24 वाला है, ये वन वन के बाद 0 होगा ना, ये वाला 0 होगा ना। अच्छा क्यों अभी तो हम आईपी डाल रहे हैं, नेटवर्क आईपी नहीं डाल तो रहे। ठीक, 254 स्पेस टू फिफ्टी ही फाइव टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव जीरो नो सर। टैब 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 डालो टैब। हो गया। एग्जिट एंड कर दो। एक और बार शो आईपी इंट ब्रीफ, यहाँ पर शो आईपी इंट ब्रीफ। टैब दो टैब आ जाए। ठीक है अब सर मेरे R1 में सारे डाउन है क्योंकि दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं बनी, इसलिए चलिए अभी देखते हैं क्या क्या डाउन है क्या क्या डाउन नहीं है।
तो राउटर नंबर वन कॉन्फिगर हो गया, राउटर नंबर टू भी कॉन्फिगर हो गया, राइट। हेल्पर नंबर वन पे आने के बाद कमांड चलाते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो राउटर नंबर वन ईथरनेट 0/0 तो डाउन दिखा रहा है, और S1/0 ये भी लिंक डाउन दिखा रहा है। अच्छा ये तो बताने चाहिए थे। राउटर नंबर टू की तरफ आते हैं, राउटर नंबर टू पे क्या किया गया है, इथरनेट 0/0 172.16.1.254 लिंक अप है, ठीक है। और S1/0 12.1.1.2 ठीक है, लिंक अप है और डाउन है, ठीक है। और ये दूसरा 12 का आईपी कैसे डाल दिया आपने, S1/1 देखो तो 23 का आईपी है ये, 23.1.5 है। हाँ जी रोहित, यस सर, कलर डाल दे। ये जो आईपी एड्रेस है क्या है 23.1.5, किसके यस ऊपर, सर, इंटरफेस S1/1 के ऊपर। तो इंटरफेस S1/1 के ऊपर आपने आईपी डाल दिया 12.1.1.5, अच्छा अच्छा सर, गलती से हो गई, क्या करें दोबारा से आप आईपी डाल दें, ओवरराइट हो जाएगा। ओके सर। बस इसी का डालना पड़ेगा ना सर, एस वन बाय वन, बस इसी का डालना पड़ेगा। ठीक। क्या क्या हुआ था सर? कुछ नहीं, आ गया, आप रीस्टार्ट कर दिया था डिवाइस को, आ गया आप। ओके सर, डाल दिया, चेक करो, कमांड चला के आ गया, शो आईपी इंटरवल ब्रीफ चलाओ, यस सर, आ गया। आ गया। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राउटर नंबर वन भी कॉन्फ़िगर है, आपने आईपी चेक कर लिए, राउटर नंबर टू भी कॉन्फ़िगर है, हमारा सारे लिंक अप हैं। राउटर नंबर थ्री पे आते हैं, इसका एक लिंक क्या पड़ा था, अप डाउन पड़ा था, मैसेज आया पड़ा है ऑलरेडी कि सीरियल 1/1 स्टेट चेंज टू अप, यानी कि जो उसकी स्टेट डाउन थी ये भी हमारी अप आ रखी है। दोबारा कमांड चलाते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो हमारे भी सारे इंटरफेस क्या हैं, अप अप अप, राइट, अप डाउन, क्लियर। जो प्रोटोकॉल पे अप और डाउन स्टेटस आ रहा है वो किस चीज का है? ये स्टेटस तो होता है कि जो हम अपना इंटरफेस क्या करते हैं, अप करते हैं सामने वाले का, अगर सामने वाला भी इंटरफेस अप है तब प्रोटोकॉल अप आएगा। अच्छा, अगर दोनों तरफ से कनेक्टिविटी बनी है हाँ जी, तब तब वो आप करना, आएगा दोनों साइड में, अदरवाइज कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल में डाउन है। और स्टेटस होता है सर अपना, मतलब अपने इंटरफेस। अपने इंटरफेस का स्टेटस। ओके, चलिए ये राउटर तो कॉन्फ़िगर हो गए, अब नीचे लगे हैं हमारी मशीन, ये है PC नंबर 1, ये है PC नंबर 2, ये PC नंबर 3, ये PC नंबर 4, ये तीन चार पीसी लगे हैं हमारे डायग्राम। अब PC नंबर 1 ये है हमारे पास, अब PC नंबर 1 का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.1। तो यहाँ पर
आईपी डालने का तरीका ये है कि आप आईपी लिखोगे स्पेस 192.168.1.1/24, ये मैंने आईपी लिखा। अब आईपी के बाद मुझे इस मशीन के ऊपर गेटवे का आईपी डालना है। गेटवे के आईपी की जरूरत कब पड़ती है हमें? जब वो कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं होती है तो हम किसी के थ्रू जा रहे होते जब हमारी मशीन को जब किसी डिफरेंट एनआईडी से कम्युनिकेट करना होता है। हैं। अच्छा मेरी मशीन का आईपी क्या है? 192। ये कम्युनिकेट करना चाहती है 172 वन से सेवन सेवेंटी टू टू से, से डेफिनेटली डिफरेंट एनआईडी के ऊपर है दूसरी मशीन, तो इस मेरी मशीन को गेटवे का आईपी मुझे देना मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पीसी नंबर, ये वाला 30.1.1.3, ये कम्युनिकेट करना चाहता है इस वाले पीसी से, तो हमें कोई गेटवे डालने की जरूरत नहीं है, नहीं क्योंकि दोनों की एनआईडी क्या है? सेम है। सेम है। हाँ, जब इस पीसी को कम्युनिकेट करना कराना है आपने एस आई पी से, तो फिर गेटवे देना मस्ट है। जरूर ठीक है। तो इस पीसी का गेटवे क्या होना चाहिए? इस पीसी का गेटवे सर ये राउटर का 12.1.1. ये वाला आईपी गेटवे बनता है, हाँ सॉरी ये ईथर पोर्ट बन जाएगा गेट। ठीक है? गेटवे जब भी होता है वो सेम एनआईडी का होता है। अच्छा ऐसा है। गेटवे आईपी ऑलरेडी रीचेबल होना चाहिए। गेटवे का जो आपका जो गेटवे है वो क्या होना चाहिए? सेम एनआईडी का। रीचेबल कंडीशन में होना। सेम एनआईडी का तो चलो होना ही चाहिए, लेकिन वो गेटवे का आईपी रीचेबल भी होना चाहिए जिस मशीन के ऊपर आप गेटवे डाल रहे हो। कितना ओके आप ये चाहते हो कि इस मशीन को, कि भाई हम 172 के पास जाना चाहते हैं, तो यार तुम मेरी ना हेल्प कर देना, इससे बोल रहे हो आप, मुझे रास्ता दिखा देना। अब तुम इसी आईपी तक ना पहुंच पाओ तो रास्ता कैसे दिखाएगा कोई आपको? जी तो गेटवे का मतलब होता है ऐसा आईपी एड्रेस, ऐसी डिवाइस जो आपको डेस्टिनेशन पे जाने के लिए गाइड कर सकती है, आपको रास्ता दिखा सकती है, आपको पाथ दिखा सकती है। लेकिन उस आईपी तक आप पहुंचोगे तभी तो दिखाएगी ना वो आपको रास्ता। तो गेटवे का ओके आईपी रीचेबल होना चाहिए, राइट? नाउ हेलो, जी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बताइए। अच्छा,
हाँ जी, तो इस मशीन का जो गेटवे का आईपी होगा राइट, क्या होगा? 192.168.1.254 होगा। ठीक है, गेटवे क्यों डालते हैं? ताकि हमारी मशीन डिफरेंट एनआईडी से कम्युनिकेट कर सके। नाउ पीसी नंबर टू पर आते हैं। पीसी नंबर टू, ये रहा, इसका जो आईपी एड्रेस है क्या है? 172.16.1.2/24। और इसका जो मास्क /24 है, गेटवे क्या रहेगा? 172.16.1.254। ये रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, पीसी नंबर थ्री पे आते हैं। आईपी 30.1.1.3/24, और गेटवे का आईपी 30.1.1.254। पीसी नंबर फोर पे आते हैं। इसका आईपी एड्रेस 30.1.1.4/24, गेटवे क्या रहेगा इसका? 30.1.1.254। 54। हो गया क्लियर? यस। चलिए, तो जितनी भी डिवाइस थी जो हम डायग्राम में यूज कर रहे हैं, राउटर 1 2 3, तीन ब्रांचेज यूज कर रहे हैं, इनके अंदर जितने भी हमारे लैन लगे हैं, पीसीज लगे हैं, उन सब पे हमने आईपी तो कॉन्फिगर कर दी है। आईपी कॉन्फिगर करने के बाद अगर हम अपने राउटर पे आते हैं, राउटर नंबर 1 पे आते हैं, तो हमने देख लिया कि भैया हमने आईपी कॉन्फिगर कर दी है, लिंक अप है, सब कुछ ठीक है, ओके। राउटर नंबर 2 पे भी देख लिया, 3 पे भी देख लिया। नाउ अब हम देखना चाहते हैं अपने राउटर की राउटिंग टेबल। कौन सी टेबल? राउटिंग राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल देखने के लिए कमांड होती है शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। शो आईपी राउट हमने कमांड चलाई तो यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट नजर आई। आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो रहा है? हमें डिस्प्ले हो रहा है सी। सी स्टैंड फॉर कनेक्टेड, कनेक्टेड। कनेक्टेड एनआईडी। कहता है कनेक्टेड एनआईडी है 23.1.1.4/30। कौन से राउटर पे देख रहे हैं हम? राउटर नंबर 3 पे देख रहे हैं। किसकी बात कर रहा है ये? इस वाले आईपी की बात कर रहा है, 23.1.1. जो हमने 6 आईपी डाला था, इसकी एनआईडी क्या होगी? 23.1.1.4। एनआईडी ये अपने आप ही जनरेट कर अपने लेता आप ही कैलकुलेट कर लेता है। है। ओके ठीक है, तो 23.1.1.4/30 इसकी एनआईडी है, इस आईपी की। ओके। और कहता है ये एनआईडी डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटरफेस S1/2 दूसरा राउटर। के ओके। ऊपर। उसके बाद लिखा हुआ एल। एल स्टैंड फॉर लोकल आईपी, यानी कि हमने जो आईपी कॉन्फिगर किया है, क्या आईपी कॉन्फिगर किया है? कहता जी 23.1.1.6 आईपी आपने कॉन्फिगर किया। हाँ जी, 6 ही किया है, और ये भी कनेक्टेड है S1/2। तो राउटिंग टेबल के अंदर आपने जो आईपी कॉन्फिगर किया है वो भी दिखाएगा, और उस आईपी की एनआईडी क्या होगी वो भी आपको सी से डिस्प्ले करेगा। तो हमें राउटर नंबर 3 पे कितने आईपी कॉन्फिगर किए थे? 3 आईपी कॉन्फिगर किए थे। तो तीनों की लिस्ट इसकी राउटिंग टेबल के अंदर। सर ये वाला कौन सा आईपी है? 30.0.0.0/8। 30.0.0 की अगर हम बात करते हैं, तांगे 30.0, इस आईपी की वाला। बात कर रहे हो ना? राउटर नंबर 3 पे हमने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया था, एक 30 की सीरीज का राइट, लेकिन मास्किंग 24 डाली थी हमने। यहाँ दिखा रहा है कि 30.0.0.0 इज वेरिएबल सबनेट टू मास्क। अगर हम इस 30 की आईपी की बात करते हैं तो ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है? क्लास ए से बिलोंग करता है। जब क्लास ए से बिलोंग करता है तो सबनेट मास्क कितना होना चाहिए इसका? 8 बिट होना चाहिए। हमने क्या डाल रखा है? 24 24। इसका मतलब क्या किया है हमने जिस जिस सबनेट है। इस आईपी के साथ? इसके साथ में क्या किया? इसकी सबनेटिंग कर रखी है राइट।
ये है मेजर एनआईडी, कौन सी 30.0.0.0, इसकी हमने सबनेटिंग कर रखी है और उसका एक सबनेट 30.1.1.254/22 बना अरे रखा है हमने, यानी कि हमने ये सबनेट बना रखा है कौन सा 30.1.1.0 वाला /24। तो यही आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि एक्चुअल जो एनआईडी है वो ये वाली है, इसके आपने दो सबनेट बना रखे हैं ओके इस टेबल के अंदर, एक तो बता रहा है कि आपने ये बना रखा है 30.1.1.0, पता ओके दूसरा आपने ये बना रखा है, ओके ठीक है। एक्चुअल मेजर नेटवर्क आईडी 30 की है, ये सबनेटिंग करने के बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है सर। हमारे राउटर नंबर 3 के ऊपर ये अपनी टेबल बनी हुई है, तो अगर इसके नीचे जो ये मशीन लगी है, इसके नीचे जो यहाँ पर ये मशीन लगी है, कौन सी मशीन, ये वाली मशीन 30.1.1.3 वाली मशीन, अगर ये मशीन कम्युनिकेट करना चाहती है यहाँ से निकलने के बाद इस आईपी तक, तो हमारी रीचेबिलिटी होनी चाहिए डेफिनेटली। तो यस देखते हैं पीसी नंबर 3 पे आते हैं और यहाँ से हम पिंग करते हैं, पिंग 30.1.1.254, तो हमें यहाँ से तो रिप्लाई मिल रहा है। और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या हम अपने इस वाले आईपी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये तो सेम सबनेट के आईपी थे ये वाला और अपना आईपी, कोई मसला नहीं था, कम्युनिकेट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम डिफरेंट एनआईडी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कौन सी एनआईडी से, 23 की एनआईडी से, और हमारा आईपी क्या है 30 का है, तो हमने लिखा यहाँ पे PING ping और 23.1.1.6। तो पीसी क्या चेक करेगा, पीसी सबसे पहले ये चेक करेगा कि मेरी एनआईडी तो क्या है 30.1.1.0 है, और जिस सही आईपी से कम्युनिकेट कराने के लिए आप मेरे को बोल रहे हो उसकी एनआईडी क्या है 23.1.1.4 होगी या कुछ डिफरेंट और डिफरेंट होगी। तो कहता है डिफरेंट होगी, तो मुझे फिर लुकअप करना पड़ेगा अपने गेटवे के आईपी को, क्या गेटवे का आईपी कॉन्फिगर है, हाँ जी वो भी कॉन्फिगर है। तो कहता है फिर चिंता की बात ही नहीं है, आओ गेटवे के पास चलते हैं, इस आईपी के पास जाएगा ये पूछने के लिए कि भाई मुझे 23 से कम्युनिकेट करना है, डू यू हेल्प मी। तो राउटर कहेगा रुको अभी देखता हूँ कि जहाँ आप जाना चाहते हो क्या मेरे पास वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता है, कोई टेबल के अंदर एंट्री है। तो राउटर क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल का लुकअप करेगा राउटर नंबर 3। तो राउटर टूमर ये देखेगा कि हाँ आप कहाँ जाना चाहते हो, 23 पे जाना चाहते हो, कहता है हाँ 23 की एंट्री तो है मेरे पास ही रही, इसके लिए तो आपको यहाँ से एग्जिट होना है इंटरफेस S1/1 से, ठीक है। तो ये वाला आईपी भी हमारा पिंग हो जाना चाहिए, देखें हमने लिखा पिंग तो हमें यहाँ से भी रेस्पॉन्स मिल गया। नाउ और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ से बैठ के हम और आगे बढ़ते, अब यहाँ तक आते हैं। तो क्या इस पीसी से अगर मैं ये आईपी पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो क्या यहाँ से भी मुझे रिप्लाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक मिलना चाहिए सर, ये उससे कनेक्टेड है ना। है मिलना चाहिए। मैंने एंटर मारा, अरे ये तो टाइम आउट आ गया, ये तो हमें रिप्लाई नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, आइए फोकस करते हैं कैसा क्या हुआ क्यों नहीं मिला। इस मशीन ने अपने गेटवे से हेल्प ली होगी राइट, राउटर से कहा होगा राउटर नंबर 3 से मेरे को कम्युनिकेट करना है 23.1.1. किससे, 5 से, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। राउटर कहेगा रुको मैं अपनी राउटिंग टेबल देखता हूँ पहले। तो जब ये राउटिंग टेबल देखेगा और देखेगा कि तुम कहाँ जाना चाहते थे, 23.1.1.5 पे जाना चाहते हो, कहता है मेरे पास 23.1.1.5 पे, हाँ कहता है मेरे पास है ना एड्रेस, ये रहा एड्रेस, ये जो 23.1.1.5 है ये इसी एनआईडी से बिलोंग करता है। वो कनेक्टेड भी है डायरेक्टली। कहता है आपने इससे कम्युनिकेट करना है तो इस इंटरफेस से बाहर निकल जाओ, जाओ यहाँ से निकल के जाओ, सामने मिल जाएगा आपको बंदा।
फिर रिप्लाई क्यों नहीं आया? जब हमारे राउटर ने गाइड कर दिया, हमें रास्ता दिखा दिया कि ये आईपी अवेलेबल है मेरे पास, मैं जानता हूं इस बंदे को, ये इसका इसका रास्ता ये है, यहां से आपको एग्जिट होना पड़ेगा, वो मिल जाएगा आपको, और बंदा सामने खड़ा भी है, नो डाउट सामने आईपी है हमारे सामने, तो ये आईपी हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा। जब हम पिंग करते हैं, पिंग के दो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? एक होता है इको रिक्वेस्ट, इको रिक्वेस्ट, और दूसरा क्या होता है? इको रिप्लाई। इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई। हाँ पिंग जब कंप्लीट होता है तो पहले हम इको रिक्वेस्ट भेजते हैं, उधर से रिप्लाई आता है, तभी बातचीत स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आपसे कुछ बोला कि भाई आपको आवाज आ रही है, आपने बोला हाँ जी आ रही है, तो ये हमारा एक पैकेट कंप्लीट हो गया। अगर मैं खाली बोलता रहूँ कि आवाज आ रही है आपको, समझ आ रहा है, और आप रिप्लाई ना करो, तो इसका मतलब क्या है? पैकेट इनकम्प्लीट है, अधूरा है अभी। यस यहां से ट्रैफिक निकल के हमारा यहाँ पोस्ट हो गया, हमारी आवाज यानी कि इको रिक्वेस्ट राउटर नंबर 3 पे पोस्ट हो गई। तब राउटर नंबर ये 2 क्या करेगा? राउटर नंबर इसलाम रिप्लाई करेगा, हमारी जो इको रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुंच गई, हमने इसको हाय बोला तो इसको हाय सुनाई दे गया। अब इसको क्या चाहिए? इसको रिप्लाई करना चाहिए। ये रिप्लाई किसे करेगा? राउटर 3 को राउटर 3 को करेगा या पीसी को करेगा? नहीं, ओ, करना तो हाय पीसी को हाय चाहिए किसको? मगर। अरे भैया हाय तो इसने बोला था ना, इसने बोला इसको हेलो, हाँ पीसी ने भेजाना पैकेट, हम जी हाँ पीसी पिंग कर रहे हैं ना, तो ये राउटर अप्लाई किसको करेगा? डेफिनेटली इसी पीसी को करेगा, पीसी को ही करें। राउटर को थोड़ी ना करेगा, वो तो इस पीसी को करेगा, इस पीसी के आईपी को करेगा। जब ये पीसी के आईपी को रिप्लाई करेगा, तो राउटर 2 रिप्लाई करने से पहले ये देखेगा कि जिस सिस्टम को मेरे को इको रिप्लाई भेजना है, किसको भेजना है? 30.1.1.3 को, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन, क्या उसकी एनआईडी, क्या उसका आईपी मेरी राउटिंग टेबल के अंदर है या नहीं है? तो राउटर 2 क्या करेगा? शो आईपी राउट चेक करेगा अपना। इस शो आईपी राउट के अंदर देखो कहीं पर 30 की इन्फॉर्मेशन है नहीं तो नहीं है, तो वो रिप्लाई कैसे कर दे भाई? अच्छा रिप्लाई करने के लिए उसके पास रास्ता होना चाहिए ना। ओके ओके यस सर। ठीक है, सर वो नेटवर्क एनआईडी और आईपी दोनों होना चाहिए नहीं एनआईडी है तब भी काफी है, ना। एनआईडी के अंदर आईपी एड्रेस आ जाता है वो वाला भी, अगर कोई आईपी है तब भी कोई मसला नहीं है, या तो आईपी की इंफॉर्मेशन हो या एनआईडी की इंफॉर्मेशन हो। मगर एनआईडी से तो हमें लोकेशन मिल ट्रेस होती है ना। एनआईडी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द आईपी। हाँ ग्रुप अगर ऑफ द एनआईडी आईपी। एनआईडी आपके पास है, इसका मतलब है कि उस एनआईडी के अंदर जितने आईपी आते हैं उन सब से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ओके ओके ठीक और है आईपी का मतलब है कि आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक ही आईपी से कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, इतना सा डिफरेंस है बस। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो राउटर 2 के पास क्या है? 30 की इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं दैट्स व्हाई राउटर नंबर 2 हमें रिप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक हो गया, चलिए जी बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं कि इस वाले पीसी से हम पिंग करने की कोशिश करते हैं इस आईपी को, 172 वाले आईपी को, क्या ये पिंग होगा? नहीं पीसी हुआ नंबर 3 से हमने लिखा PING पिंग 172.16.1.254, ये पिंग होगा? नहीं। नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि मुझे ये बताओ कि इस पीसी ने जब पिंग किया तो क्या इसकी आवाज क्या यहां तक पहुंची या नहीं पहुंची? नहीं 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 पहुंची। कहां तक पहुंची? सर राउटर 3 तक राउटर 3 तक पहुंची। राउटर 3 ने क्या कहा? इंटरफेस तक राउटर दिया इसने। राउटर नंबर थ्री ने ये कहा कि भाई जाओ रास्ता भी ये रहा यहां पर जाने का? नहीं सर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि राउटर नंबर 3 की टेबल के अंदर
172 की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है नहीं यहाँ है पर, कहीं 172 है ही नहीं। जी सर। लेकिन 23 पे जाने के लिए इसने बोल दिया था कि जाओ, रास्ता है जाने का। उसका उस टाइम पर इन्फॉर्मेशन था। एनआईडी था उसमें। हाँ जी हाँ जी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पिंग तो अभी भी नहीं हुआ, एसआईपी से पिंग किया हमने तब भी नहीं हुआ, एसआईपी से पिंग किया तब भी नहीं हुआ। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि पैकेट ड्रॉप कहाँ पर हुआ आखिर। ठीक है, हमने एसआईपी से पिंग करने की कोशिश की तो पैकेट राउटर नंबर 3 ने ही हमें रिप्लाई बैक कर दिया कि गो बैक, मेरे पास रास्ता नहीं है। लेकिन जब हमने 23 से पिंग करने की कोशिश की तो रास्ता हमें मिला और राउटर नंबर 2 ने हमें रिप्लाई नहीं किया, है सर ना। वो जो जी सर, आउटपुट में क्या डिफरेंस आया था सर, वो एक बार देखें आउटपुट में पिंग में, देखो पिंग के। हाँ अभी जो आया है, हाँ देखिए अभी जो आया है ये लिखा हुआ है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। कौन ओके बता रहा है आपको? 30.1.1.254 बता रहा है। ओके आप अच्छा कहीं जाना चाह रहे थे, रास्ते में गुंजाइश इस पड़ी 30.1.1.4, वो कहती है कि भाई साहब आगे जाने का रास्ता नहीं है मेरे पास, ठीक जाना तो जा रहे हो लेकिन मेरे पास रास्ता नहीं है। लेकिन तो इससे पहले क्या रहा था? टाइम आउट। उसका रिप्लाई नहीं आ रहा था, टाइम आउट का मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट तो चली गई लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा। आपके पास रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप रिप्लाई का वेट कर रहे हो। ओके ओके ठीक ठीक है, है ठीक है। तो फाइनली अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहते हो हर एक कंप्यूटर को, हर एक कंप्यूटर से, हर एक राउटर को, हर एक राउटर से, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? राउटिंग करनी पड़ेगी। ठीक ओके है, राउटिंग में हमने पहला मेथड पढ़ा है स्टैटिक राउट। तो राउटिंग कैसे करेंगे, मैं राउटर नंबर 3 पे आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मेरा राउटर नंबर 3 राइट 172 के आईपी से कम्युनिकेट नहीं कर जी पा रहा क्योंकि टेबल के अंदर एंट्री नहीं है। तो राउटर नंबर 1, तो राउटर नंबर 3 इस आईपी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा राइट। मशीन राउटर से नंबर 3 इस आईपी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, राउटर नंबर 3 इस आईपी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा क्योंकि यस टेबल के अंदर एंट्री नहीं है। नहीं है तो मुझे राउटर नंबर 3 के ऊपर कितनी एंट्री करनी है? थ्री। एक दो तीन एंट्री मुझे करनी है। ठीक, अच्छा सर उन दो पीसीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम एनआईडीज में आ जाएंगे, हाँ PC1 PC2। हाँ जी हाँ जी, अगर आपने अगर हमने इसकी एंट्री कर दी तो इसकी एंट्री ऑटोमेटिकली हो गई। ठीक है क्योंकि वो सेम एनआईडी का वो गेट एक पे बना हुआ एक है। से लेके 254 जितनी मशीन हमने लगा रखी होंगी उन सबकी एंट्री हो गई ऑटोमेटिकली क्योंकि ठीक है सर आपने एनआईडी लिखी है। एनआईडी का मतलब क्या है? हाउस ऑफ द आईपी। ओके जी आपने सर। घर का एड्रेस लिख दिया, घर के अंदर 10 लोग हैं तो 10 से बात हो जाएगी आपकी, है ठीक ना। तो ओके हमने राउटर नंबर 3 के ऊपर क्या करना है? स्टैटिक राउट ऐड करने हैं। कैसे ऐड करेंगे, क्या तरीका है? कॉन्फिग डीपर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे आईपी RoutRoute राउट। किस आईपी से कम्युनिकेट करना है? हमने 172 से कम्युनिकेट करना है तो हमने लिखा 172.16.1.0, इसकी नेटवर्क आईडी लिखी राइट, यही होगी नेटवर्क आईडी। ठीक, यस आईपी राउट, इसकी एनआईडी, ये डेस्टिनेशन की एनआईडी हो गई। अब क्या लिखना है हमने? मास्क मास्क डेस्टिनेशन का, कितना मास्क है? 255.255.255.0। जीरो अब क्या लिखना है? नेक्स्ट नेक्स्ट होप आईपी। आप राउटर नंबर 3 से बैठ के आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां से चलते 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 रास्ते में कौन सा आईपी मिलेगा? 23 डॉट 23.1.1.5 मिलेगा। तो यहाँ लिखना है आपने 23.1.1.5। ये मैंने एक एंट्री कर दी इस आईपी की राइट। अब यस मुझे एंट्री करनी है किसकी? 12 वाले की। तो अगेन आईपी RoutRoute राउट, किसकी? 12 वाले की। क्या लिखूं एनआईडी? 12 वाले सर 192.168 ट्वेल्व की बात कर रहा हूँ अभी मैं, 12 की। 12.1.1.0 मास क्या लिखूं? टू मास 255 255 टू एट फिफ्टी जीरो क्या टू लिखें? फिफ्टी सर 252 252। अब क्या लिखा जाए? सर नेक्स्ट ये 23.1.1.5 सही है लिखा भाई, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे? नाउ नो सर
तीसरी एंट्री कौन सी करनी है मुझे, 192 की आईपी राउट 192.168.1.0, सबनेट मास्क 8 बिट का ही, 24 बिट का है, और क्या लिखूं, नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या होगा, नेक्स्ट ऑफ यही रहेगा 23.1.1.1। 23.1.1.5 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि राउटर नंबर 3 की जो डायरेक्शन है ना वो यही डायरेक्शन है, ऑलवेज नेक्स्ट ऑफ आईपी यही आगे पड़ता है हमारे लिए, ठीक है, ये राउटर नंबर 3 पे मैंने एंट्री कर दी। इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। अपने अपने राउटर पे एंट्री करें, अपने अपने राउटर पे एंट्री करें जल्दी से। ये ग्लोबल मोड पे जाके कमांड चलेगी, ग्लोबल मोड पे जाकर, जी आ गई समझ। यस सबसे पहले ग्लोबल मोड पे जाना है, फिर कुछ कमांड चलानी है। जल्दी करो भाई, कोई कमांड नहीं, क्यों नहीं, रोहित पंकज अजी और ये क्या कर रहे हो तुम, गड़बड़ सही कर दिया, ठीक यस सर। है।
टाइम कम है, 15 मिनट बचे हैं, क्लास फिर दूसरी शुरू हो जाएगी, जल्दी करें। सर कर दिया, एक बार देख ली। हो गया था जी पंकज, आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? गया मेरा। अच्छा, हो गया। चलो शो आई पी राउंड डाल रहा हूँ। स्वाइप आउट चलाएं। अच्छा तो उसको यार गेट का लास्ट रिसोर्ट नॉट सेट सो हां स्वाइप राउट चला दिया। राउटर टू पे भी शो आईपी राउट चलाएं। शो जो कमांड होंगी ना, वो प्रिविलेज मोड पर जाकर चलेंगे। ओके सर। चलिए, हम शो आईपी राउट के अंदर ये एस, ये सी और एल तो समझ ही चुके हैं क्या होता है, सी और एल, राइट। यस सर। एक कमांड चलाएं, स्वाइप राउट स्टैटिक लिख दें वर्ड। इस टेबल के अंदर से ना हम फिल्टरिंग करना चाहते हैं, सिर्फ स्टैटिक राउट देखना चाहते हैं जो हमने अभी कॉन्फ़िगर किए हैं। तो स्वाइप राउट स्टैटिक कमांड चला दें। हाँ जी, अब टेबल जरा शॉर्ट हो गई, पढ़ने में आसानी होगी। स्वाइप राउट स्टैटिक। चलिए, राउटर नंबर वन पे आते हैं। सबसे पहले राउटर नंबर वन ये बोलता है एस, एस स्टैंड फॉर स्टैटिक स्टैटिक, राइट। एस के सामने हमें एक एनआईडी नजर आ रही है, 23.1.1.4। कौन सी एनआईडी नजर आ रही है? ये एस वाली, ठीक है। राउटर नंबर वन ये कहता है कि मुझे 23.1.1.4 से कम्युनिकेट करना हो। ये तुमने गलत लिख दिया। क्या नाम है? रोहित, पंकज। ये आपने नेक्स्ट होप आईपी लिखना था, नेक्स्ट होप आईपी 12.1.1.2। अच्छा आपने सर क्या बोल दिया? एनआईडी डाल दिया आपने, ये नाइन। सब गलत गड़बड़ कर दी। तो मैं क्या चेंज करना है, पहले इन कमांड्स को निकालना है आपने। कॉन्फिगर टर्मिनल पे जाने के बाद जैसे कमांड चलाई है वैसे ही लिखो, उनके आगे नो लगा दो। कैसे करके? ऐसे करके, ठीक ऐसे करके नो लगाना है आपने, हर एक के आगे एंटर मारना है। जल्दी करें।
ओए कर दिया कॉन्फ़िगर, चेक करें स्वाइप राउटर स्टार्ट। अच्छा चलिए तो राउटर नंबर वन पे इसकी राउटिंग टेबल को लुकअप करते हैं। कहता है कि 23.4 से कम्युनिकेट करना है, तो मेरा नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या होगा, 12.1.1.2 होगा जी, परफेक्ट। कहता है मुझे 30 के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, यानी कि इस वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, इस वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो परफेक्ट। नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या होगा, यही होगा। और 172 से कम्युनिकेट करना है, तब भी नेक्स्ट ऑफ आईपी यही होगा। ब्रैकेट में दो चीज़ें ज़रूर नहीं आ रही हैं, 1 ऑब्लिक 0, राइट। यस ये 1 क्या होता है, डेस्टिनेशन एडी डेस्टिनेशन रेडी एडी एडी, और 0 क्या होता है, सर मैट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक तो याद इतना रखना है, स्टैटिक राउट की एडी क्या होती है, 1 होती है, मैट्रिक कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है जी। यस रूट हम लिख चुके हैं सारे के सारे। अब आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। पहले तो आप राउटर से पिंग करके देख लें, जैसे राउटर नंबर 1 है, तो यहाँ से लिखें पिंग। आप किसी भी आईपी को पिंग कर सकते हैं, 30.1.1.254 हमें सर एक चीज करना पूछ है। रहा था, R3 के S1/1 में कम्युनिकेट R1 कर पाएगा? हाँ कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, राउटर नंबर 1 के पास 23 की एनआईडी है ना, ये रही 23 की एनआईडी आपके पास, अच्छा करो पिंग अच्छा आप। हाँ मैंने डाल दिया, ठीक है हाँ समझ। जी, तो राउटर ये जितने भी आईपी एड्रेस हैं राउटर 1, 2, 3 तक जितने भी आईपी हैं सब पिंग होने चाहिए आपके राउटर से। जल्दी जल्दी पिंग करके चेक करें। पिंग लिखें और चेक करें। पिंग पिंग प्रिविलेज मोड से ही होगा, बाहर से होगा। जितने भी आईपी हैं डायग्राम में सारे आईपी पिंग हो जाने चाहिए। सर ये 192.168.1.254 वाले पे जो मैंने किया है R1 वाले पे, वो एक बार देखेंगे वो सही है क्या? हाँ तो पिंग हो गया ना ये। अच्छा अगर अगर आपको ये लिखा हुआ आ रहा है सक्सेस रेट 100%, जी पिंग हो गया। सक्सेस अच्छा ठीक रेट 0% आए, जैसे अभी ये पाइपलाइन नजर आई आपको 5, जी अगर इसकी जगह डॉट 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 आए खाली, तो इसका मतलब जी पिंग नहीं हुआ। अच्छा ठीक हो रहा है। हो रहा है सर तो राउटर हमारा हर एक आईपी को सर इस वाले में जो है ना R1 के मशीन है 192.168.1.2, इसमें 80% आ रहा है नीचे। हाँ जी हाँ जी, दोबारा पिंग करो जरा सेम आईपी को। ठीक है हो गया 100%।
जब हम किसी पहले बार कहीं जाते हैं तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? जबकि हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, जिसके घर जाना होता है उसकी लोकेशन भी होती है, इवन आजकल तो उसका एड्रेस भी होता है, मकान नंबर भी होता है, टेलीफोन नंबर भी होता है, बिल्डिंग नंबर भी होता है, फ्लैट नंबर भी, सब कुछ तो हमारे पास होता है। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं ना, फिर हम पहुंच नहीं पाते टाइम पर। हम पूछते हैं, भैया ये लोकेशन कहाँ पड़ेगी, ये घर का एड्रेस कहाँ पड़ेगा? वो कहता है, भैया उधर चले जाओ। लोकेशन लगाने के बावजूद भी हम एक गली पर जाकर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट घर नहीं पता होता, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन सेकंड टाइम जाते हैं तो किसी से नहीं पूछते, सेकंड टाइम हम फौरन चले जाते हैं। तो होता क्या है कि आपका डिवाइस जब पहली बार किसी आईपी को पिंग करती है, तो उसकी बेसिकली उसके पास आर्प एंट्री नहीं होती, उसका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता होता, तो ब्रॉडकास्ट करती है पहला पैकेट। तो ब्रॉडकास्ट जब करती है तो रिप्लाई आने में देर लग जाती है, तो पहला पैकेट लॉस हो जाता है अक्सर। सेकेंड टाइम उसको पता होता है कि इस डिवाइस पे जाना है तो इसका मैक एड्रेस वगैरह क्या है, इसकी आर पे एंट्री मेरे पास होती है, तो फिर वो दोबारा प्रॉपर पिंग हो जाता है। नाउ तो हमारे राउटर हर एक आईपी को पिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो मशीनें हैं वो भी हर एक आईपी को पिंग कर रही होंगी, क्योंकि मशीनें जो डिपेंड हैं वो राउटर के ऊपर डिपेंड हैं। राउटर ने जब रास्ता देख लिया है तो हमारी मशीनों को दिखा ही सकता है। वो यस पीसी नंबर 1 से बैठ के अगर हम 30.1.1.3 से पिंग करें तो हम पिंग कर पा रहे हैं इस आईपीसी से। PC नंबर 1 से बैठ के अगर हम पीसी करें दूसरे पीसी को, PC नंबर 4 को, तो हम PC नंबर 4 को पिंग कर पा रहे हैं, राइट? तो पहले राउटर को पता होना चाहिए रास्ता, राउटर की राउटिंग टेबल के अंदर रूट कॉन्फिगर्ड होने चाहिए। जब राउटर हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा तो उससे नीचे लगी हुई मशीन भी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगी। क्लियर कॉन्सेप्ट? नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास डिफॉल्ट राउट का। कौन सा? डिफॉल्ट राउट ये हमने स्टैटिक राउट किए थे, जहां जहां जाना था हम डिफॉल्ट राउट के थ्रू चले गए थे। अगला कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट राउट का। अभी हमने राउटर नंबर 3 से अगर इन सभी आईपी से पिंग करना था तो 3 रूट ऐड करे, राइट? ये और बड़ा जी सर नेटवर्क होता, राउटर 1 के आगे और राउटर लगे होते, और राउटर लगे होते, 10-15 राउटर लगे होते, तो कितने रूट लिखने पड़ते? 15 रूट लिखने पड़े। और ज्यादा लिखने पड़ते, और ज्यादा आते 15 राउटर में, और ज्यादा रूट होते। यानी कि चलो मिनिमम 15 तो रूट लिखने ही पड़ते, तब हाँ जी जी जाके हम सर सभी से कम्युनिकेट कर पाते। इंस्टीट्यूट ऑफ 15 रूट्स हम एक डिफॉल्ट राउट से काम चला सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाखों रूट्स, थाउजेंड्स ऑफ रूट्स, हम एक डिफॉल्ट राउट से काम चला सकते हैं। डिफॉल्ट राउट कैन कम्युनिकेट ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस। हमें कोई अलग से रूट देने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर हमने इंडिविजुअली दिया, 172 पे जाना है जाओ उससे बात करो, 12 पे जाना है इससे इसके पास जाओ, 192 के पास जाना है इसके पास जाओ, एक प्रॉपर हर एक के बारे में बताया। हमने क्या किया, इन सब एंट्री को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए राउटर नंबर 3 से, ठीक है, 192 की एंट्री हमने हटा दी, हमने 12 की एंट्री हटा दी, हमने 172 की एंट्री यहाँ से हटा दी। चेक करते हैं शो आईपी राउट, तो टेबल के अंदर अब कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ वही डिफॉल्ट एंट्रीज हैं जो कनेक्टेड वाली हैं, राइट? यानी कि राउटर नंबर 3 अगर कम्युनिकेट करना चाहे 192 से तो ये कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। 192.168.1.254 रास्ता ही नहीं है इसके पास, डॉट डॉट आना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डिफॉल्ट राउट की। डिफॉल्ट राउट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? कॉन्फ़िग कमांड होती है आईपी राउट 0.0.0.0/0 और नेक्स्ट हॉप आईपी, सॉरी अगेन 4x0 और नेक्स्ट हॉप आईपी क्या 23.1.1.5। इसका मतलब यह है कि राउटर नंबर 3 को हमने बता दिया कि भाई देखो कि तुमने किसी भी एनआईडी पे जाना हो, एनी एनआईडी, एनआईडी किसी भी एनआईडी पे तुमने जाना हो, उसका सबनेट मास्क कुछ भी हो, तुमने अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, यहाँ पर सबमिट कर देना है। तुम्हें कहीं पर भी जाना है, तुमने इस आईपी से बात करनी है, इस आईपी से कांटेक्ट करना है। पहले क्या कर रहे थे? पहले भी हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन हर एक का नाम इंडिविजुअली लिख रहे थे।
और बोल रहे थे कि जाओ तुम इस आईपी से कांटेक्ट करो, गेटवे आईपी तुम्हारा ये रहा। लेकिन यहाँ पर हमने किसी पर्टिकुलर आईपी का नाम नहीं लिखा, हमने कहा कि तुम कहीं पर भी जाना चाहो, जितने भी आईपी एड्रेस हैं किसी से भी कम्युनिकेट करो, तुमने इस आईपी के पास चले जाना है। अच्छा, नेक्स्ट हॉप हो गया हमारा, नेक्स्ट ठीक अब हमारा ये आईपी हो गया। है। अब जिस आईपी के पास हम जा रहे हैं हेल्प लेने के लिए, उसके पास उसके के पास पर तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, सारी स्टार्टिंग होनी चाहिए, मतलब उसके पास कुछ भी हो, बहरहाल उसके पास इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में उसकी होनी चाहिए, है ओके। ना। इसकी राउटिंग टेबल के अंदर एंट्रीज होनी चाहिए डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। भाई आप किसी के पास गए कि भैया मुझे ये काम करवाना है, अब भैया तो काम करवाना जानता हूँ पहले, वो भैया ही नहीं जानते तो आपकी क्या हेल्प करेंगे, है जी ना। तो जिसके हाँ ऊपर जी आप जा अच्छा, रहे हो, जिसके पास जा रहे हो, जिस काम के लिए आप जा रहे हो, पहले उस बंदे को वो काम आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे केस में हमने राउटर नंबर 3 को बोल दिया, जाओ राउटर नंबर 2 से जाके मुलाकात करो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें कहीं पर भी जाना हो। एक एंट्री करी बस हमने और एंटर मार दिया, ठीक है जी। चेक करते हैं शो आईपी राउट स्टैटिक, एक ही एंट्री है बस, एस स्टार नजर आ रहा है। एस स्टार का मतलब होता है स्टैटिक डिफॉल्ट राउट, 0000 और 1/0 वैसे ही एग्जैक्टली, और ये है हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ आई पी। अगर हम यहाँ से बैठ के अब पिंग करते हैं, देखो कि उसको 192.168.1.1 को हाँ रिप्लाई मिल रहा है। इस पीसी से पिंग कर पा रहा हूँ राउटर नंबर 3 से बैठ के, जबकि हाँ मेरे पास कोई 192 की एंट्री भी नहीं, नहीं इससे भी बात कर पा रहा हूँ। अगर मैं 172 से पिंग करूँ, 172.16.1.2, इससे भी बात कर पा रहा हूँ। तो डिफॉल्ट राउट का बेनिफिट यह है कि आप किसी भी आईपी से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ही रूट के थ्रू, लेकिन नेक्स्ट होप आईपी को पता होना चाहिए। जब हम अपने आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, क्या करते हैं हम अपने आईएसपी से, जब हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, ये इंटरनेट है राइट, और ये हमने फॉर एग्जांपल अपने राउटर पे इंटरनेट कनेक्शन ले लिया। अब मेरे राउटर से जब ट्रैफिक वापस जाएगा तो हर एक वेबसाइट पे जाएगा ना, फेसबुक पे भी जाएगा, गूगल पे भी जाएगा, याहू पे भी जाएगा, हर जगह जाना चाहेगा ना। तो इसका मतलब है कि इस राउटर पे मैं कितनी एंट्री करूंगा, अगर स्टैटिक एंट्री करनी पड़े तो, बहुत सारे याहू के आईपी के अलग, फेसबुक के आईपी के अलग, ट्विटर की अलग, गूगल की अलग। तो आपके इस राउटर से एक डिफॉल्ट राउट लिखा जाता है टू वर्स दी आईएसपी, आईएसपी की तरफ एक डिफॉल्ट राउट फेंक दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके पीसी से कोई रिक्वेस्ट आती है तो राउटर क्या करेगा, उसको आईएसपी के पास ले जाएगा और आईएसपी के पास सारी एंट्री होगी डेफिनेटली, अच्छा, ठीक है। आईएसपी पे होगी। आईएसपी तो होगी, लाखों वेबसाइट्स हैं जहां हम जाना चाहते हैं, तो हर एक की एंट्री तो पॉसिबल नहीं है अपने राउटर पे करना। छोटा सा राउटर लगाते हैं 600-700 रुपये का, 1000 रुपये का हम अपने घर पे, तो उस राउटर के ऊपर क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट राउट डाल दिया जाता है आईएसपी की तरफ, ठीक है। कैसे करके देखें, अगर मैं राउटर नंबर 4 पे आता हूँ तो अगर देखता हूँ शो आई पी राउट, देखें कॉन्फ़िग पर गया और इंटरफेस E0/1 NoSHA आईपी एड्रेस DHCP, ये मैंने आईएसपी से कनेक्ट कर लिया अपने इस राउटर को। सर, ये DHCP प्रोटोकॉल यूज किया गया आपने इस? बताएंगे बताएंगे क्या होता है डीएससीपी, क्या है डीएससीपी। हाँ चलिए तो अगर मैं देखता हूँ शो आई पी राउट, तो देखिए मेरे राउटर पे एक डिफॉल्ट राउट है, क्या है, एक डिफॉल्ट राउट है, और ये कहता है कि ये आईपी एड्रेस है नेक्स्ट होप आईपी, ये मेरे आईएसपी का आईपी एड्रेस है। अगर मुझे जाना हो किस पे, www.google.com, तो google.com का कोई आईपी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, नहीं। नहीं सर, कॉन्फ़िग एक मिनट, एपी डोमेन लुकअप, चलिए
शो आई पी राउट और मैंने लिखा पिंग गूगल डॉट कॉम, तो मेरा ट्रैफिक देखो गूगल डॉट कॉम पर चला गया, मिल गया रिप्लाई। मैंने लिखा पिंग www.facebook.com, तो यस मेरा आईपी facebook.com पे चला गया। हर एक वेबसाइट पे मैं जा पा रहा हूँ जबकि किसी की भी एंट्री मेरे पास नहीं है, ना तो फेसबुक की एंट्री है ना ही गूगल की एंट्री है, सिर्फ मेरे पास डिफॉल्ट राउट है। तो हमने बोल दिया इस राउटर को, जब भी तुम्हारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है किसी भी आईपी पे जाने के लिए, तुमने तो उस रिक्वेस्ट को कहाँ पर कर देना है, फॉरवर्ड 1.12.160.50.250, ये मेरे इस आईपी आईएसपी का आईपी एड्रेस है। यहाँ वाई पे वाई 254 क्यों आया था, 1/0 की जगह? कौन सा वाला आया? शो अपनी आप चेक किया था ना, शो आईपी राउट, हाँ ये है तो बताओ। हाँ ये 254/0। ये जब ऑटोमेटिकली आईएसपी ने मुझे रूट दिया है, बेसिकली मैंने मैंने एंट्री नहीं करी आईपी रूट की। अच्छा नहीं, अच्छा जब ऑटोमेटिकली रूट मिलता है तो उसकी AD 254 होती है, जब हम मैनुअल देते हैं तो 1 होती है, और 1 का मतलब है कि उसको हम प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, ओके ओके और इसका मतलब है कि लास्ट प्रेफरेंस है। जब तुम्हें तुम्हें कोई रास्ता ना मिले, भाई आप कहीं जाना चाहते हो ऐसा मान लो, और एक आपका भाई भी है उसने बोल रखा है देख परेशान मत होना तू मेरे शहर में आया है, कहीं जाना हो ना तो मुझसे बात कर लेना मैं तो ये बता दूंगा, लेकिन आपको कहीं जाना था और आपने वो एड्रेस देखा था, तो क्या अभी भाई के पास जाओगे अपने? अच्छा जबकि भाई ने तो बोल रखा है ना कि भाई तेरे को जी कहीं पर भी जाना है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जाना मैं तुझे गाइड कर दूंगा, लेकिन आपने आपको जाना पड़ गया अचानक, और आपने देखा यार ये तो रास्ता मेरे पास हैगा, मेरे पास तो गूगल मैप भी हैगा और एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो आप भाई के पास नहीं जाओगे, वो लास्ट भाई की उसका। प्रेफरेंस लास्ट है। जब आपके पास कोई चांस ना हो बाहर जाने का, आपको रास्ता दिखाई ना देता हो, आपको एड्रेस ना मिलता हो, तो आप भाई के पास जाओगे, राइट? अगर रास्ता है आपकी टेबल के अंदर तो आप अपने टेबल के रास्ते को फॉलो अप करोगे, राइट? ठीक है, तो इस तरीके का कुछ फंडामेंटल यहाँ पर भी होते हैं। तो 254 का मतलब होता है लास्ट प्रेफरेंस, कि जब कोई आपको रास्ता ना मिले तो आप इसका यूज कर सकते हो डेफिनेटली। और यहाँ पर एक वर्ड उसने और लिखा है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज 1.12.160.50.250.2 नेटवर्क 0.0.0। ये कह रहा है कि भाई हमने तुम्हारे ऊपर एक लास्ट रिसोर्ट सेट कर दिया है, रिसोर्ट का मतलब होता है लास्ट, मतलब रास्ता, एक ऑप्शन कहता है लास्ट रिसोर्ट, आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हारी टेबल के अंदर अगर आपको एंट्री ना मिले तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास एक रास्ता खुला हुआ है ये वाला, कहाँ जाने के लिए? 2 नेटवर्क 0.0.0, कहीं पर भी जाने के लिए, ठीक है जी। ऐसे ही एंट्री राउटर नंबर 3 पे भी आ रही थी, देखो ये वाली जो हमने मैनुअल रूट डाला था यहाँ पर भी आ रही है, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज 23.1.1.5, कहीं पर भी जाना हो तो आपने इस रास्ते को फॉलो अप कर लेना है अगर राउटिंग टेबल के अंदर कोई एंट्री दिखाई ना देती हो। अभी बात समझ? शो आईपी राउट स्टैटिक। चलिए मैंने क्या किया, कॉन्फ़िग टी पे गया और मैंने एक एंट्री कर दी शो आईपी राउट स्टैटिक। देखा दो एंट्री यहां पर है, राइट? एक तो 0.0 की एंट्री है और एक 172 की एंट्री है। अगर मैंने यहां से बैठ के पिंग किया 172.16 1.1, क्या आईपी 172.16 1/254 1.2 है, 1.1 पीसी का आईपी देख रहा हूं मैं, तो 1.2 है, ठीक है। दोबारा देखें, मैंने पिंग किया 1.2, ये पिंग हो गया। अब जो पिंग हुआ मुझे ये बताओ कि वो इस आईपी के थ्रू, इस रूट के थ्रू पिंग हुआ या इस रूट के थ्रू पिंग हुआ? सर ऊपर ऊपर सर वाले डिफॉल्ट बटन, डिफॉल्ट से हुआ होगा, डिफॉल्ट से डिफॉल्ट से नहीं हुआ, सर डिफॉल्ट राउट की जो प्रेफरेंस है ना वो लास्ट है, बिल्कुल
मगर उधर तो वन दिखा रहा है। अच्छा ठीक आईडी तो बंद दिखा रहा है, इट्स ओके। तो स्टैटिक को प्रिविलेज मिलती है फर्स्ट, ऐसा है। ठीक है, तो अगर आपकी राउटिंग टेबल के अंदर डिफॉल्ट राउट भी पड़ा है, स्टैटिक राउट भी पड़ा है, जैसे आपके भाई ने बोल रखा है कि कहीं जाना हो तो मेरे पास आ जाना, लेकिन जब आपको पहले से पता ही है कि 172 पे जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप आईपी ये होगा, तो फिर भाई के पास जाने की जरूरत क्या है? भाई के पास कब जाओगे? जब ये एंट्री नहीं होगी तुम्हारे पास। अब आपने ऐसे आईपी पे जाना है, किस पे जाना है? 192 पे जाना है आपने, किस पे? 192, 168, 1.1 पे जाना है। अब आपने देखा यार मुझे 192 पे जाना है यार, कोई एंट्री तो है नहीं मेरे पास, तो आप इसका यूज करोगे। अच्छा स्टैटिक अगर है तो फिर फर्स्ट प्रिविलेज स्टैटिक को, अदरवाइज हाँ जी, डिफॉल्ट अदरवाइज डिफॉल्ट। ठीक ठीक है। है एंटर मारा, पिंग हो गया। पिंग क्यों हो गया? जबकि मेरे पास तो 192 की एंट्री भी नहीं है कहीं पर, तो इसके थ्रू पिंग हो गया। ठीक है, तो अगर स्टैटिक रूट भी कॉन्फ़िगर्ड है, डिफ़ॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक राउट का यूज़ करेगा आपका राउटर। और स्टैटिक राउट अगर उसको नहीं मिलेगा, यानी कि टेबल के अंदर अगर एंट्री नहीं मिली, एंटायर टेबल के अंदर एंट्री नहीं मिली डेस्टिनेशन में जाने के लिए, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट राउट के थ्रू चला जाएगा। आगे बात समझ? यस ये थी आज की लैब, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। हाँ जी यस ये लैब आप अपने हाथ से भी अपने घर पे कर सकते हैं। ये जो लैब्स है, इस लैब के क्रेडेंशियल आपके बना दिए जाएंगे, और सेम लैब, यही सेम डायग्राम आप अपने घर पे एक्सेस कर सकते हैं 24x7, और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे वो सर कैसे मिलेंगे ये क्रेडेंशियल्स वगैरह? बनेंगे आप? पहले मैं वीडियो को पॉज कर दूं, फिर बताता हूँ।